प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का एक बहुत बड़ा बयान बच्चों को लेकर। हम अभी का इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आलोक कुमार का कहना है कि जितने भी बच्चे हम देखते हैं अक्सर स्कूल्स में शॉर्टेज वगैरह होती है, लेकिन अभी क्या है कि मौसम की कंडीशन ऐसी है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बहुत बड़ा बयान जो है आलोक कुमार की जानिब से आया है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे को अटेंडेंस के बेसिस पर, चूंकि मौसम ऐसा है, अगर किसी की इस वजह से वीक अटेंडेंस होती भी है तो उसको स्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि ना तो उसको सस्पेंड ही किया जाएगा। अक्सर हम क्या देखते थे कि स्कूल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि अटेंडेंस वगैरह को लेकर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर अभी ऐसा मौसम है कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, बीमार है, या मौसम की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उस पर उसकी अटेंडेंस का कोई भी असर नहीं होगा और इतनी स्ट्रिक्टनेस उसको नहीं दी जाएगी। मैं एक बार आपके लिए फिर से दोहराऊं कि आलोक कुमार के जानिब से बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी भी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। जिस सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा मौसम की वजह से घर में ही रुकना चाहता है, या बीच बीच में कभी तबीयत नासाज होती है या कभी कुछ होता है, तो इस वजह से हम अटेंडेंस को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ऑलरेडी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि समर वेकेशंस की बात करें तो समर वेकेशंस को फिर से रीअनाउंस नहीं किया जाएगा। ये जो है, ये उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि समर वेकेशंस जो है उनको फिर से रीअनाउंस नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर हमने देखा कि समर वेकेशंस 10 दिन के लिए हो गई थी, उसके बाद हमने देखा कि बच्चे कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे और पेरेंट्स भी, र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे कि शायद समर वेकेशंस जो है वो फिर से एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अब जो है उन्होंने सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया है और ये कहा है कि समर वेकेशंस को जो है फिर से रीअनाउंस नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी हमने टाइमिंग चेंज की है, लेकिन अगर कोई बच्चा जिसकी तबीयत नासाज है या वेदर की वजह से वो कभी ना कभी घर में ही रुकता है या कुछ, उसकी वजह से उसकी अटेंडेंस पर असर नहीं पड़ेगा, उतनी स्ट्रिक्टनेस जो है अटेंडेंस में नहीं की जाएगी। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद।